आज किसी को गरियाने का बहुत मन कर रहा है और ओ ये फोन। शुरुआत जब फोन की हुई थी तो रखने वाले फोन और बाहर पीसीओ वगैरह दुनिया भर का सब सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो पहले वायर वाले कनेक्टेड फ़ोन चलते थे और वो एक जगह रखे रहते थे, वहाँ से वो घर में कोई भी इस्तेमाल करता था और कॉल लगती थी। फिर आए ये भाई साहब, ये तो नहीं, फिर आए ये भाई साहब, ये भी नहीं, इनसे पहले कुछ और आए थे इस तरीके के फीचर वाले फ़ोन, 3310 और पता नहीं क्या क्या और पैनासोनिक और अलग अलग कंपनियों के इस तरीके के फ़ोन आए। काम वही था, छोटी छोटी ऐप्स बढ़ गई थी, फ़ोन इनसे भी हो जाता था, फ़ोन बढ़िया होता था, एसएमएस कर लेते थे, बहुत बढ़िया चीज़ होती थी, एसएमएस से बहुत बात करते थे। फिर आए ये भाई साहब, स्मार्ट, समझदार हैं, काफ़ी समझदार ही हैं और इनने दुनिया की ले ली। इनके साथ आए डेवलपर, उनने ऐप बनाई, लोगों ने झामा झोर ऐप इंस्टॉल करना शुरू किया। अब सब कुछ ऐप्स पे ही होता है, फ़ोन का कुछ नहीं होता। अब मानने में सोचने वाली बात यह है कि इसमें क्या दिक्कत है, ऐप तो सही चीज़ है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पोस्ट करेंगे तो ऐप के ज़रिए ही हो रहा है सब, ख़राब चीज़ नहीं है, हम भी खूब दिन भर इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऐप के चक्कर में जो इस साले का सही काम था वो हो गया गया, वो तो मतलब उसमें भुस भर गई। दुनिया भर के मार्केटिंग के कॉल मुझे आएंगे इस फोन पे, ये तो नहीं जो मेरा फोन है, कहीं जमीन खरीद लो, कहीं गाड़ी बेच दो, कहीं ये हो जाए, कहीं 400 रुपए दान कर दो, कहीं फलाना कर दो ढिमकाना, पूरा दिन साला एक के बाद एक कॉल आते रहेंगे। मुझे जरूरत पड़ी, मैं नीचे बेसमेंट में गया था कि यार फोन करते हैं, वहां पे मेरे बेसमेंट में नेट चलता है आराम से, तो मैंने कहा यार बाइक के हेलमेट भूल गए थे, तो मैंने कहा फ़ोन कर देते हैं और मुझे कोई ऊपर से हेलमेट दे जाएगा। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन लगाया, फ़ोन बज रहा है नहीं बज रहा है पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया, पूरी पूरी घंटी बज के ख़त्म हो गई। बड़ा गुस्सा आया, तम तम आ गया, मैंने कहा ये क्या बात होती है, फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। आए लौट के, खुद ही आए हेलमेट लेने, फिर गए अपना काम करके, लौट के आके पूछा भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने, कहते हमें सुनाई नहीं दिया फ़ोन। तो ये साले न इनको रिंग सुनाई देती है, इनकी लाखों रुपए आदमी खर्च करने को तैयार है आजकल फ़ोन पे। ये फ़ोन आज भी बजता है तो 3-4 घर बाद भी सुनाई देता है, अरे मेरा फ़ोन बज रहा है। ये स्मार्ट, ये बजते हैं अपने ही मुंह में बज के बंद हो जाते हैं, जिसका फ़ोन है वो बेचारा सोचता रहता है कि फ़ोन आया नहीं आया क्या है, और इतना एक इतने बड़े बड़े फ़ोन आ गए हैं उनको हाथ में आदमी हर वक्त पकड़ नहीं सकता है। तो डेवलपर और फ़ोन कंपनियों से अनुरोध है कि भाई माना इसमें आप दुनिया भर की चीज़ें डाले दे रहे हो, AI डाल दिया, ऐप डाल दिया, इससे आप रॉकेट चला दोगे, चांद पर चला जाएगा फ़ोन, सब हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ जिस काम के लिए बना था उसको तो ना बिगाड़ो, घंटी तो बजने दो कम से कम, कैसे स्पीकर लगा रखे हैं कि जरा साफ सफाई करवाते रहो तब भी वो वैसे ही उनको मतलब 500-600-700 रुपये सफाई करवाने में निकल जाते हैं। ये फ़ोन 10 साल से है, इसकी तो सफाई आज तक नहीं जरूरत पड़ी, आज भी ये वैसे ही बजता है यार, है ये टूटा हुआ बेचारा, ये देखो है। और आपके ये फ़ोन है जो आजकल जो है ये आधे एक साल के अंदर उनकी आवाज़ कम हो जाएगी, गर्म हो जाएंगे, भाई जो बेसिक काम है वो तो सही हो जाए, ठीक है YouTube Facebook और Instagram सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब देख लेंगे, दिन भर देखेंगे, लेकिन जो फ़ोन की बात है, जो ज़रूरी लोग हैं, अपने ही घर के लोग हैं, उनसे तो कम से कम बात हो जाए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना लो यार, ऐसा कुछ कर लो कि जो 5 फ़ोन हैं अगर वो एक विजिबिलिटी के अंदर रहते हैं तो आपको नेटवर्क पे जाने की सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आपस में ही कनेक्शन बना के बात कर लो, कुछ ऐसा कर लो भाई। ये वरना ये 1-1 लाख रुपये के फ़ोन जो आप बेच रहे हो इसका फ़ायदा क्या है, क्या मिलेगा इससे, हम अगर जिनसे बात करनी उन्हीं से नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप की कॉल लग जा रही है, व्हाट्सएप की घंटी बज जा रही है लेकिन एक्चुअल फ़ोन की कॉल नहीं लगती, अरे तो ऐसे थोड़े हर कोई व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहता है, हर कोई नहीं रखना चाहता व्हाट्सएप अपने पास, भाई फ़ोन कंपनियों थोड़ा सा इस चीज़ को संभाल लो, बहुत बढ़िया डिवाइस बनाई है, गेम से लेके सारे काम कर लेती है,
ज़्यादा जितनी रीलें बन रही हैं सब इसी बन रही हैं, लड़के लड़कियां जो डांस कर रहे हैं जहाँ ऊपटांग तरीके से वो भी इसी कर रहे हैं, सब माना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इसका मेन काम है वो तो होने दो, अगर वही नहीं होने दोगे तो कैसे काम चलेगा। हैं हमारे जैसे लोग भी हैं जो कि फ़ोन को कभी कभार फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो यही कहना है अगर किसी तक पहुंच जाए तो भाई ऐसे फ़ोन बनाओ जिनकी आवाज़ आए तेज़ी से सुनाई दे, ठीक है, ऐसे लगा अरे क्या बोल रहा क्या बोल रहा क्या क्या, अरे यार मतलब इतना तंग आए इस चीज़ से फ़ोनों से कि ना इनकी आवाज़ें आती हैं ना इनसे हमें सही से बात हो पाती है, या तो एक वो हेडफोन लगा के कान लगा के घूमो तब हो पाएगा, नहीं तो बात ही नहीं हो पाती। तो ऐसे फ़ोन बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं आप लोग, और जो बेसिक फीचर है उसका तो मतलब वो तो मिलना ही चाहिए ना, उसके ऊपर जो देना चाहो दो, लेकिन जो फ़ोन नाम ही फ़ोन स्मार्टफोन है तो वो बात करने लायक तो रहे ही ना। और हमारे जो आसपास के इंपॉर्टेंट नंबर हैं, अब तो AI है आपके पास, AI से पता कर लोगे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैं आप देख लोगे किससे इंटरेक्शन ज़्यादा क्या हो रही है, तो कम से कम पता तो उससे तो बात हो जाए, उससे तो मिल जाए, हैं तो एक मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए, और मतलब ऐसा हो जाए कि फ़ोन जो है वो फ़ोन बने रहें, कुछ और ना बन जाए, फ़ोन तो बने ही रहें कम से कम। धन्यवाद।